गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट के फोर्थ वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का कृष्णा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक, हमें जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड आवर टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहली बात, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, अगले वीडियो लेक्चर में हमने देखा हुआ है, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, कार्बन के एक एटम का मास कितना है, एक छोटा सा एटम जो हम देख भी नहीं सकते, 1.99 × 10⁻²³ ग्राम। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मास ऑफ वन मोल कार्बन 12, अगर हमारे पास कोई एक वेसल है, कंटेनर है, और उसमें कार्बन का 12 ग्राम पाउडर हम ले रहे हैं, यू ऑलरेडी नो 12 ग्राम दैट इज वन मोल एंड वन मोल, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक मोल कार्बन 12, तो उसका वेट कितना है 12 ग्राम, तो एक मोल, सो मोल इज इक्वल टू, हमें मोल की नंबर फाइंड आउट करनी है, तो एक मोल का वेट है 12 ग्राम और पर्टिकुलर एक कार्बन 12 का मास कितना है 1.99 × 10⁻²³। द आंसर इज 6.022 × 10⁻²³। और आपको पता है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी भी किया है कि ये जो नंबर है, दिस इज द एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर Na। तो हमें एक चीज यहां पे पता चल जाती है कि अगर कंटेनर में हमारे पास किसी भी एटम का एटॉमिक मास, मोलर मास, किसी भी एटम का मोलर मास है, तो उसको हम वन मोल बोलेंगे, और उसमें कितने एटम होंगे, तो 6.022 × 10⁻²³। मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इतनी बात आराम से ध्यान में रखिएगा कि वन मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, 6.022 × 10⁻²³, इतने एटम भी हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इतने आयंस भी हो सकते हैं। अगर मेरे पास इतने एटम है, इतने मॉलिक्यूल है, तो उसका मोलर मास कितना, तो उसका मतलब वेट कितना होगा, मास कितना होगा, तो मोलर मास जितना होगा। और अगर हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, इफ इट इज अ गैस, अगर गैस है, तो मान के चलिए एट एसटीपी उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। एक और चैप्टर हमें पढ़ना है आगे जाके, स्टेट ऑफ मैटर, उसमें हम ज्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे इसको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एसटीपी। द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे साइंटिस्ट है, आप भी आगे जाके साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तो हर एक कंट्री में टेम्परेचर और प्रेशर की परिस्थितियां अलग अलग है, तो सब साइंटिस्ट में साथ में मिलके, स्पेशली IUPAC नामक एक संस्था है, उन्होंने फिक्स किया कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, हमें कोई भी प्रयोग करना है, तो उसमें टेम्परेचर कितना रखें हम, तो टेम्परेचर 0 °C मतलब 273 केल्विन, एंड प्रेशर कितना रखें, तो प्रेशर इज 1 atmospheric pressure 180 m। दिस इज एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, एंड व्हाट इज द प्रेशर 1 atmospheric pressure। तो अगर एसटीपी वाली पोजीशन है और अगर हमारे पास गैस है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अगर इतना लीटर वॉल्यूम है, तो उसको वन मोल बोलेंगे। अब इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए आप, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, कौन सा एग्जांपल लेंगे, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ फॉस्फरस, पी, फॉस्फरस का एटॉमिक मास कितना है 31, मान के चलिए कि मेरे पास 31 ग्राम है फॉस्फरस, तो मेरे पास कितना मोल है वन मोल, इसमें फॉस्फरस के कितने एटम होंगे 6.022 × 10⁻²³, और इसका मोलर मास 31 है, तो मोलर मास के साथ कनेक्ट हो गया, एक गैस नहीं है तो एटम नहीं लेंगे उसके लिए। ओके,
मान के चलिए कि मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कंटेनर है ऊपर से बंद है और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2? आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 2, तो हो गया 44। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास ये जो कंटेनर है इसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6.022 × 10⁻²³ जितने मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब मास कितना होगा, तो CO2 का मोलर मास जितना मास होगा 44 ग्राम। इसको हम क्या बोलेंगे, तो 1 मोल है। और अगर STP वाली पोजीशन है तो इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 22.4 लीटर अपने आप सेट हो जाएगा। ओके, गिव मी आंसर। वीडियो को पोज करना है और आपको आंसर देना है। मेरे पास यहाँ पे CO2 है लेकिन कितना है, 22.4 लीटर नहीं है, 11.2 लीटर है, इससे आधा है, तो कितना मोल हुआ, हाउ मेनी मोल्स। तो अगर 22.4 लीटर है तो 1 मोल, तो 11.2 लीटर है तो 0.5 मोल, ऑब्वियस। ये जो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी आधे हो जाएंगे। एंड CO2 का मोलर मास 44 है, तो ये अगर मतलब यहाँ पे मैं 11.2 लीटर ले रहा हूँ तो इसका मास कितना होगा, तो 44 से आधा कर दीजिए, 22 ग्राम होगा। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चारों में से अगर आपको एक भी पता है तो बाकी के 3 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मोल में से मोलर मास निकाल सकते हैं। मेरे पास 1 मोल CO2 है, ध्यान से फिर से 1 मोल CO2 है, तो मोलर मास कितना होगा, 44 ग्राम। अगर मेरे पास 44 ग्राम CO2 है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी एक ऊपर से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं और पूरी हमारी कैलकुलेशन जो है इसके ऊपर डिपेंडेड है। और एक बात, लोअर स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया हुआ है, व्हाट इज मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। लोअर स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी कि व्हाट अगर किसी के मोल फाइंड आउट करने हैं तो मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। ओके, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, O2। व्हाट इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ O2? 16 × 2, दैट मीन्स 32। अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो मास भी 32, तो 32 / 32 1 मोल हो गया। ओके, मेरे पास ऑक्सीजन कितना है तो मान के चलिए 64 ग्राम है, तो अगर उसके मोल फाइंड आउट करने हैं तो 64 ग्राम / मोलिकुलर मास 32, तो मेरे पास कितने मोल हुए, 2 मोल। तो किसी के भी मोल हमें फाइंड आउट करने हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता ही है ऑलरेडी। अगर नहीं भी पता है तो याद रखिएगा, आपसे मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। व्हाट इज द फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये आपको पता होना चाहिए। एक और चीज जो हमें एग्जाम्पल गिनने से पहले, हमें वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स गिनने, बहुत सारे एग्जाम्पल कैलकुलेट करने हैं, तो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। अगले वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले एक बात की थी, व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU एक फिक्स नंबर है, कितना है, 1 AMU बोले या 1 U बोले, 1 U इज इक्वल टू, याद कीजिए, 1 U इज इक्वल टू, तो 1.66 × 10⁻²⁴। 1.66 × 10⁻²⁴, दिस इज 1 U, अदरवाइज यू कैन से 1 AMU। एक और चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सपोज कि मेरे पास कोई एक एटम है, मान के चलिए कि कार्बन का एटम है। कौन सा एटम ले रहे हैं, कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, 6 इज द एटॉमिक नंबर, तो इसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 इफ वी कंसीडर कार्बन। तो 1.66 × 12, व्हाट विल बी द आंसर, आई हैव अ कैलकुलेटर,
ओके 1.66 इंटू 12, माय आंसर इज, सॉरी 1.66 इंटू 12 आंसर इज 19.92 इंटू 10^-24। इसको अगर हम साइंटिफिक मेथड में लिखे तो 1.99 अप्रोक्सीमेट इंटू 10^-23। देख लीजिए कार्बन 12 का एक एटम जो है उसका मास आ गया। तो किसी का भी एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, उसको हम यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यू इज अ नंबर, यू का नंबर कितना है 1.66 इंटू 10^-24। तो उसका मास कितना आएगा, एक एटम के जितना उसका मास आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके बारे में, रिगार्डिंग कि कार्बन के बारे में हम बोल सकते हैं कि 12U इज इक्वल टू, एक कार्बन एटम जो है उसका मास आएगा, 12U इज इक्वल टू वन कार्बन एटम का मास आएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इज अबाउट, यहां से मैं निकाल देता हूं, चलिए सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं अबाउट द हीलियम, HE। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4। तो हीलियम का एक एटम का मास कितना होगा, हीलियम का एटॉमिक मास 4U, हमने ऑलरेडी बढ़ा हुआ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.66 इंटू 10^-24। हीलियम का एटॉमिक मास 4U है, अगर 4 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसको तो कितना आंसर मिलेगा, चलिए देख लेते एक बार, 1.66 इंटू 4 6.64 इंटू 10^-24। दूसरे एक तरीके से अगर हम हीलियम के एक एटम का मास कैलकुलेट करें, कैसे, हीलियम का एटॉमिक मास मोलर मास 4 है, मान के चलिए कि मेरे पास 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, 4 ग्राम है, तो इसमें हीलियम के कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10^-23। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.022, कैमरा जरा यहाँ यहाँ घुमाइएगा, 6.022 इंटू 10^23 हीलियम है, तो उसका वेट कितना है 4 ग्राम, तो एक हीलियम का एटम का वेट कितना है, तो 4 डिवाइड बाय दिस करेंगे आप, 4 डिवाइड बाय दिस, तो भी आंसर यही आ जाएगा 6.64 इंटू 10^-24। तो इसका मतलब ये हुआ, एक कॉन्सेप्ट बढ़ाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि कोई भी एटम है उसको यू के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, सपोज कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 यू इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम, 4UHE तो मास ऑफ वन HE एटम, किसी भी को भी यू के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू दैट इज AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो कितना नंबर मिलेगा हमें, तो जो नंबर मिलेगा वो एक एटम का एटॉमिक मास होगा। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर ऑफ वैरायटी एग्जांपल हमें करने, तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, 2.5 मोल्स ऑफ एमोनिया मोलिक्यूल्स आर कंटेंट इन अ वेसल, हाउ मेनी NH3 मोलिक्यूल्स आर देयर इन इट। ओके, वेरी इजी, we have 2.5 moles ammonia, अगर और हमें ammonia के molecules find out करने हैं, अगर मेरे पास एक मोल ammonia है तो उसमें कितने molecule होंगे, 1 मोल NH3 is equal to 6.022 into 10^23 molecules, अगर एक मोल में इतने molecules हैं तो 2.5 में कितने molecules होंगे, तो is equal to multiply कर देते हैं 6.022 इंटू 2.5, द आंसर इज 15.05 इंटू 10^23। अगर उसको साइंटिफिक मेथड में हम चेंज कर दें तो एक स्टेप हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब मूव हो जाएंगे, तो आंसर इज 1.5 इंटू 10^23।
फोर। सीधा सा एग्जांपल है, अगर एक मोल में इतने मोलिक्यूल हैं तो मान के चलिए कि 2.5 मोल में कितने मोलिक्यूल होंगे। वन मिनट, एक बात ध्यान में रखिए, इस एग्जांपल में हमें मोलिक्यूल्स पूछे, मोलिक्यूल्स की जगह हमें एटम्स पूछे होते तो हाउ मेनी एटम्स, तो एक एमोनिया में कितने एटम होते हैं। एमोनिया मॉलिक्यूल तो एक ही है लेकिन उसमें नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के तीन एटम है, तो टोटल कितने एटम हुए, फोर। तो अगर हमें एन नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं तो ये जो मतलब हमारा आंसर आया लास्ट वाला, उसको हमें फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट एटम्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने हैं लेकिन एक मॉलिक्यूल में फोर एटम है, देयर आर फोर एटम्स इन वन एमोनिया मॉलिक्यूल, तो इसको हमें फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ओके, द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर टू, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, देखिए यहाँ पे एटम्स पूछे हमने, इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ओके, ध्यान में रखिएगा CO2 का मोलर मास कितना है, तो कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 into 2 = 32, तो मोलर मास CO2 का 44 ग्राम है। इफ आई हैव 44 ग्राम CO2, ध्यान में रखिएगा किसी भी क्वेश्चन को हमें सबसे इजी तरीके से सॉल्व करना है, इफ आई हैव 44 ग्राम CO2 तो मेरे पास कितने मोलिक्यूल होंगे, तो मोलर मास जितना अगर है मेरे पास 44 ग्राम है, 44 ग्राम दैट इज वन मोल, एंड इफ आई हैव वन मोल CO2 तो आई हैव 6.022 × 10⁻²³ मोलिक्यूल्स। अगर 44 ग्राम में इतने मोलिक्यूल हैं तो 4.4 ग्राम में कितने होंगे भाई, तो 4.4 ग्राम एक पावर कम कर दीजिए, 6.022 × 10⁻², दिस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इतने तो मोलिक्यूल है लेकिन हमें मोलिक्यूल नहीं पूछे हैं भाई, ऑक्सीजन एटम पूछे हैं इन CO2। अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स है तो उसमें कार्बन के एटम कितने होंगे, तो CO2 का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कार्बन तो एक ही है, तो अगर इफ यू आस्क कि कार्बन के कितने एटम है तो इतने ही होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे तो इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज टू ऑक्सीजन एटम्स इन वन CO2, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 6.022 × 10⁻², तो आंसर क्या आ जाएगा, 12.044 × 10⁻², एंड अगर इसको साइंटिफिक मेथड में आप कन्वर्ट करें तो आंसर कितना होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 1.2 × 10⁻²³। इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट ऑक्सीजन एटम्स, फिर से 44 ग्राम इज मोलर मास ऑफ CO2, अगर इतना CO2 है तो इस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, 4.4 ग्राम है एक पावर कम कर दीजिए, 10⁻², इतने CO2 है, अगर इफ यू आस्क कार्बन एटम तो इतने ही होंगे बिकॉज CO2 का एक मोलिक्यूल है उसमें कार्बन एक ही है, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछा है तो ऑक्सीजन एक CO2 में दो ऑक्सीजन है तो उसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वीडियो को पोस्ट करने के बाद एक आंसर दीजिए, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है और सिर्फ एटम पूछे तो कितने होंगे, तो एक CO2 में कितने एटम्स है भाई, तो तीन एटम है, तो इसको हमें तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो CO2 मॉलिक्यूल आए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स, तो हमें तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इन वन CO2 देर आर थ्री, वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन, दैट इज थ्री एटम्स, लेकिन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन एटम पूछे तो हमें दो से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर H2O। ओके, इसमें 1 लीटर पानी तो आ नहीं सकता लेकिन मान के चलिए एक बड़ा कंटेनर है, 1 लीटर पानी हमने ले लिया है। जहां तक पानी की बात है आप याद रखिएगा कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ H2O, तो डेंसिटी एक है पानी की नॉर्मली नियर अबाउट 1, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1 दैट इज मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो H2O के लिए क्या होता है कि अगर हम 1 लीटर ले रहे हैं ना
तो उसका मास 1 kg 1 kg हो जाएगा। फॉर वाटर ओनली 1 liter इज इक्वल टू 1 kg अप्रोक्सीमेटली। तो हमें मान के चलना है कि हमारे पास 1 kg पानी है। अगर 1 kg वाटर है हमारे पास, तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो H2O का मोलर मास कितना होगा? तो मोलर मास 18। इफ आई हैव 18 ग्राम H2O, तो 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 1 kg 1 liter दैट इज 1 kg 1 kg दैट इज 1000 ग्राम H2O, तो कितने होंगे? तो 1000 × 10⁻¹⁸, चलिए सीधा ही काम कर देते हैं, इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 10⁻²³, और 3 पावर ऐड कर दीजिए, 10⁻²⁶, और इसको डिवाइड करना है हमें 6.022 ÷ 18, तो मुझे आंसर मिल गया 0.334। सबसे पहले आंसर लिख दिया 6 ÷ 18 और इन 10⁻²⁶, 23 and 3 26, और इसको हम साइंटिफिक मेथड में अगर लिख दे 3.34 × 10⁻²⁵। इतने नंबर्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल होंगे। वन टाइम रिपीट, 1 liter दैट इज 1 kg, 1 kg दैट इज 1000 ग्राम, और H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम, 18 ग्राम दैट इज हिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1000 ग्राम मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आगे और भी एग्जांपल कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। हमें तीन मतलब ऑप्शन दिए गए हुए, तो 1 by 1 सारे ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज 6.022 × 10⁻²² मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ओके, कैलकुलेट मी N2 का मोलर मास कितना है? तो 14 × 2, तो 28 ग्राम। इफ आई हैव 28 ग्राम नाइट्रोजन, इफ आई हैव 28 ग्राम नाइट्रोजन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर? 6.022 × 10⁻²³। लेकिन अगर हमें यहाँ पे पावर 22 दी गई हुई है, 10⁻²³ नहीं, 10⁻²² है, तो 28 ग्राम की जगह कितने ग्राम होंगे? तो 2.8 ग्राम। अगेन आई रिपीट, अगर 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स होते तो उसका मास कितना होता? तो 28 ग्राम, बिकॉज द मोलर मास ऑफ N2 इज 28, लेकिन एक पावर कम है, तो 2.8 ग्राम आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट वाला जो है उसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा? 2.8 ग्राम। सेकंड वन, 0.2 mole ऑफ H2 गैस। ओके, इफ आई हैव 1 mole H2, तो 1 mole H2 का कितना होता है मास? 2 ग्राम। 1 mole दैट इज मोलर मास, तो H2 का मोलर मास कितना है? 2 ग्राम। अगर 1 mole का 2 ग्राम है, तो 0.2 mole का कितना होता है? तो आप सीधे से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 mole इज इक्वल टू 2 ग्राम, 0.2 mole इज इक्वल टू 0.4 ग्राम। एंड लास्ट वन, इट इज ऑलरेडी इन ग्राम, 0.1 ग्राम। ओके, तो विच वन इज द लाइटेस्ट? तो आंसर सी आ जाएगा, 2.8 ग्राम, 0.4 ग्राम एंड 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर। अगर हमें ग्राम में दिया हुआ है, हमें मास ही फाइंड आउट करना है, तो ऑलरेडी इट इज गिवन अ मास, तो वहाँ पे सिल्वर है कोई भी आइटम, उस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0.1 ग्राम है, तो सबसे मतलब लाइटेस्ट वाला पोर्शन यही है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे? तो एक बात समझिए, जिसमें मोल ज्यादा है उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे ना, जिसमें मोल ज्यादा होंगे, 1 mole इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? अगेन रिपीट, 6.022 × 10⁻²³। तो सबसे पहले ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हुए, तो उसमें सबसे पहले हमें मोल फाइंड आउट करना है। इसी वीडियो लेक्चर में हमने आगे देखा, लास्ट वाले पोर्शन में, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास।
ओके अगेन मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास. कितना मास है? 16. व्हाट इज द मोलिकुलर मास? 32. द आंसर इज 0.5. ओके यहाँ पे मोल इज इक्वल टू मास, मास 16, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दैट इज 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 दैट इज 32, 6 46. इसका डिवाइडेशन रहने देते हैं, इससे तो मतलब ज़्यादा ही होंगे, मैक्सिमम नंबर है. यहाँ देख लेते हैं एक बार, 14 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर यूज़ करके देख भी लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं. 16 डिवाइड बाय 46, द आंसर इज 0.35. ओके 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास. मोलिकुलर मास कितना होगा? 28. 7 डिवाइड बाय 28, 0.25. एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? मोल इज इक्वल टू मास, और मोलिकुलर मास भी दो ही है इसका, तो मोल कितने आ गए? 1. तो कहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे? यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.35, यहाँ 0.25, एंड हियर इज 1. द आंसर इज डी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है. ओके नेक्स्ट वन, द एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ SO2. तो इसी वीडियो लेक्चर में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था. ओके अगेन रिपीट एंड गिव मी द आंसर. वन मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी मोलिक्यूल्स? 6.022 × 10^23. मे बी एटम्स, मे बी मोलिक्यूल्स, मे बी आयन. अगर इतने एटम्स है, इतने मोलिक्यूल्स है, तो उसका मास कितना होगा? नॉर्मली मोलर मास होगा. एंड इफ इट इज अ गैस एंड द पोजिशन इज STP, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर. यहाँ पे कितने लीटर दिए गए हुए? 11.2 लीटर, एंड द पोजिशन इज STP. तो अगर मेरे पास 22.4 लीटर है, एनी गैस, एनी 22.4 लीटर है, तो हाउ मेनी मोलिक्यूल्स? तो 22.4 लीटर, दैट मीन्स 6.022 × 10^23 मोलिक्यूल्स. यहाँ पे मतलब कौन सा एग्जाम्पल है? SO2. तो इतने SO2 होंगे, अगर 22.4 लीटर में इतने SO2 होंगे, तो 11.2 लीटर में कितने होंगे भाई? तो इससे आधा होंगे, सीधी सी बात है. इससे आधा मतलब कितना हो जाएगा? 3.011 × 10^23. लेकिन इतने SO2 होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड. क्या हमें मोलिक्यूल्स पूछे? नहीं, हमें एटम्स पूछे. तो SO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? तो 3, 1 इज सल्फर एंड 2 इज ऑक्सीजन. तो इफ यू वांट टू फाइंड एटम्स, तो हमें इस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इज इक्वल टू 3 × this 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 × 3 डेट मीन्स 9.033 × 10^23. इतना आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें एटम्स पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं. अगेन रिपीट, अगर एक मोल है, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स है, मोलर मास जितना मास है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर एट STP. अगर 22.4 लीटर है, तो दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 11.2 लीटर, तो आधे मतलब मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. इफ यू वांट टू फाइंड एटम्स, तो एक SO2 में कितने एटम है? 3. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयर विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7, क्वांटिटी द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 3.5 मोल PO4-3 दैट इज फॉस्फेट आयन. मैंने सबसे पहले आपको बात बताई थी कि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं. ऐसा नहीं है कि जितना मतलब हमें कंटेंट में दिया गया वो वही पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, सारे चैप्टर के लिए एक बेस है. अगर इस चैप्टर हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो मान के चलिए आगे वाले चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ईजी होने वाले हैं. तो कोई एक और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास है. यहाँ पे हमें इतना दिया गया हुआ है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन जो हमें दिख भी नहीं रहा, उसके ऊपर कितना चार्ज है? तो 1.6 × 10^-19 कूलम्स. एक कैलकुलेशन आपको फिजिक्स में आ जाएगी. तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट अवर न्यूमरिकल, हमें सबसे पहले ये पता लगाना है अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा चार्ज? मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं. चार्ज ऑन
वन मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल है तो कितना नंबर होगा, 6.022 × 10⁻², और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻¹¹. सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर मेरे पास वन मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा. अगेन आई यूज कैलकुलेटर, 6.022 × 1.6, द आंसर इज 9.64 × 10⁻²³ - 19, तो 10⁻⁴. तो एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर इतना कूलम चार्ज होगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.64 × 10⁻³. एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये 6.022 वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं है, 6.022 इसके बाद भी मतलब नंबर आते हैं. ये जो हमें दिया गया 1.6 वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. इस एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इतनी वैल्यू लेके चले, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, 96 राउंड अबाउट 96,500 कूलॉम. तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, अगर सॉरी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है. अब हमें एग्जाम्पल देखना है, क्वांटिटी द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 3.5 मोल PO4-3 फॉस्फेट के ऊपर. अगर 1 मोल फॉस्फेट है तो उसके ऊपर 3 मोल चार्ज है, रिमेंबर PO4-3. इफ आई हैव 1 मोल फॉस्फेट तो उसके ऊपर 3 मोल वाला चार्ज है, 3 मोल मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है. लेकिन 3.5 मोल है तो कितना चार्ज, कितना मोल हुआ, 3.5 × 3, दैट मीन्स 10.5 मोल इलेक्ट्रॉन. एक फॉस्फेट आयन के ऊपर 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो अगर 3.5 मोल होगा तो 10.5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा. और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 96,500. तो हमारा आंसर क्या आएगा कि इतने मोल है, तो 10.5 × दिस नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1013250 कूलम. इतना कूलम चार्ज होगा. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट व्यू ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा. अगेन आई रिपीट, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज है तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आएगा. हमने राउंड फिगर लिख दी है 96,500 कूलम, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है. अब जो फॉस्फेट आयन है PO4-3, तो एक मोल फॉस्फेट आयन अगर मेरे पास है, वन मोल, इफ आई हैव वन मोल फॉस्फेट आयन, तो एक मोल फॉस्फेट आयन पे कितना चार्ज है, तो 3, तो 3.5 मोल है, तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10.5 मोल, तो 10.5 मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतना कूलम चार्ज टोटल ये PO4-3, अगर 3.5 मोल है तो इतना कूलम चार्ज आ जाएगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 80 ग्राम ऑफ O2 कंटेंस एज मेनी एटम्स एज इन, अगर मेरे पास एक कंटेनर में 80 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें जितने एटम्स है, इतने एटम्स इन चार में से किसके पास होंगे. तो सबसे पहले मैं मोल फाइंड आउट करना है. ये जो मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास इज 80, एंड व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ O2, मोलिकुलर मास ऑफ O2 इज 32. ये आंसर क्या आएगा, 80/32, तो मोल ऑफ O2. लेकिन हमें तो एटम्स फाइंड आउट करना है, दिस इज द मोलिक्यूल्स. चलो मोल फाइंड आउट कर देते हैं, 80/32 2.5, ओके, 2.5 मोल किसके, O2 के, तो उसमें एटम कितने होंगे, तो एक O2 में कितने एटम है, 2,
तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दी, दैट मीन 5 मोल ऑक्सीजन एटम। तो ये जो मतलब हमारा क्वेश्चन है 80 ग्राम ऑफ O2, तो उसमें 5 मोल ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन मोलिक्यूल कितने थे? 2.5 मोल। लेकिन एक O2 में कितने मतलब एटम होते हैं? 2। तो उसको से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो 5 मोल एटम किसके पास है वो हमें फाइंड आउट कर देना है। चलो 10 ग्राम H2 मोल मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मोलिक्यूलर मास 2, कितने मोल आ गए? 5 मोल। लेकिन 5 मोल तो हाइड्रोजन क्या है? मोलिक्यूल है। इसके एटम अगर फाइंड आउट करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 10। आंसर क्यों 10 आ जाएगा? फिर से मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, तो 5 मोल, बट 5 मोल इज H2। अगर हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करने हैं तो एक H2 में कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मोल हाइड्रोजन एटम आएंगे। 10 मोल हाइड्रोजन एटम, हमें तो 5 मोल एटम फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, मोल इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू 5, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2, हाउ मेनी मोल? 2.5, बट 2.5 मोल H2, एक H2 में कितने एटम है? 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 5। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? B। आप C और D को ट्राई कीजिएगा तो मतलब इतना आंसर नहीं आएगा, 5 मोल एटम नहीं आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 दैट इज इथेन, कैलकुलेट मोल्स ऑफ कार्बन, वेरी इजी। अगर 1 मोल इथेन है, 1 मोल, तो इसमें कितने मोल कार्बन है? 2, तो 3 मोल में कितने होंगे? 6। तो पहले वाला आंसर कितना आ जाएगा? 6। अगेन वेरी इजी, इफ आई हैव 1 मोल इथेन, अगर मेरे पास 1 मोल इथेन है तो 1 मोल इथेन में कार्बन कितने मोल है? 2 मोल है। हाइड्रोजन कितने मोल है? 6 मोल है। तो 1 मोल में कार्बन 2 मोल है तो 3 मोल में 6 मोल होंगे। अगेन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल इथेन में कितने मोल हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन एटम 6, तो 3 मोल में 6 × 3 18 मोल हाइड्रोजन एटम। एंड द लास्ट वन, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन, वेरी इजी, 1 मोल इथेन है, 1 मोल इथेन, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स विल बी देयर? एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³, तो व्हाट अबाउट 3 मोल? तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18.066 × 10⁻²³, एंड इस नंबर को आप बस साइंटिफिक मेथड में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड मतलब कन्वर्ट करना है तो राउंड अबाउट 1.8 × 10⁻²³। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, 3 पार्ट है, 1, 2, 3, तीनों में हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने। फर्स्ट वन वेरी इजी, 52 मोल्स ऑफ HE, एज यू नो 1 मोल HE, हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर? 6.022 × 10⁻²³, सो 52 मोल, तो 52 से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, 52 × 6.022, तो हमारा आंसर आ जाएगा 313.14 × 10⁻²³। इफ वी राइट इन साइंटिफिक मेथड द आंसर इज 3.13 × 10⁻²⁵। तो सबसे पहले वाला आंसर हमें मिल गया, ओके, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। सेकंड वन, 52U दैट इज AMU ऑफ HE, इसी वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने देखा हुआ है कि 4U इज इक्वल टू 1 HE एटम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4, उसको हम U 1.66 × 10⁻²⁴ AMU, एक फिक्स नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास कितना आएगा? एक हीलियम एटम जो हम देख भी नहीं सकते, बहुत ही लाइट, उसके जितना आएगा। 4U इज इक्वल टू 1 HE एटम, सो 52U इज इक्वल टू हाउ मेनी? तो 52 / 4 इज इक्वल टू 13, ओनली 13 एटम विल बी देयर। 52U इज इक्वल टू ओनली 13 एटम विल बी देयर।
एंड द लास्ट वन 52 ग्राम। इस कंटेनर में कितने ग्राम हीलियम के होंगे? तो उसके मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻³ होंगे, सॉरी एटम। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4 ग्राम। अगर मेरे पास 4 ग्राम है, बिकॉज वी आर हियर गिवन ग्राम, अगर मेरे पास 4 ग्राम है तो उसमें 1 मोल होंगे, और 4 ग्राम के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4 ग्राम एच ई इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻³ एच ई। सो 52 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी? तो 52 × 3 / 4 तो हमें आंसर मिलेगा 78.29 × 10⁻³ साइंटिफिक मेथड 7.8 × 10⁻²। तीनों में आप आराम से देखिएगा, सबसे पहले वाले में तो ऑलरेडी हमें मोल दिए गए हुए, अगर मोल है तो सीधी सी बात है कि 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 52 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज यू कैन से एटम। 52U, याद रखिएगा, किसी भी एटम, सपोज कि मेरे पास कार्बन है तो कार्बन के बारे में हम लिख सकते हैं कि 12U कार्बन दैट इज ओनली वन कार्बन एटम, 12U कार्बन दैट इज वन कार्बन एटम। इफ यू वॉन्ट टू राइट अबाउट ऑक्सीजन, वॉट इज द मोलिकुलर, वॉट इज द एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16U। अगर 16 को U के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मास आएगा? तो एक ऑक्सीजन एटम के जितना मास आएगा। तो हियर वी आर गिवन हीलियम, तो 4U इज इक्वल टू 1 HE एटम, 52, दैट मीन्स ओनली 13 हीलियम एटम। एंड हियर वी आर गिवन ग्राम मास, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4 ग्राम हीलियम इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 52 ग्राम दैट मीन्स दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? सबसे ज्यादा एटम कहां पे है? सबसे पहले मैं AU, दैट इज गोल्ड सोडियम लिथियम एंड क्लोरीन, एंड सो AU मतलब गोल्ड जो है उसका एटॉमिक मास हमें दिया गया है 197। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं, तो एटम किस में ज्यादा होंगे? जिसमें मोल ज्यादा होंगे, तो हम सब में मोल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, यहां पे कर देते हैं, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन सोडियम का मोल, एटॉमिक मास 23 है, मोल इज इक्वल टू मास 1, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 7, एंड हियर मोल इज इक्वल टू मास Cl2, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? एवरेज मास 35.5, तो यहाँ पे 35.5 × 2 = 71 आ जाएगा। लेकिन हमें एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ये तो मतलब Cl2 के क्या आ जाएंगे? मोलिक्यूल। एक Cl2 में कितने मतलब एटम है? दो, तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे वाले जो 3 मतलब न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन है उसमें ऑलरेडी एटम है, लेकिन यहाँ पे तो मोलिक्यूल है Cl2 का, तो Cl2 के एक मोलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि लार्जेस्ट नंबर किस में सबसे ज़्यादा नंबर है, तो यहाँ पे मतलब 197 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब ये तो नंबर बहुत ही कम आएगा, ये भी कम आएगा, दिस विल बी, यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे 1/7, यहाँ पे अप्रोक्स क्या हो जाएगा? 1/35.5, आप डिवाइड कर दीजिए 1/35.5, तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे आने वाला है नंबर 3, सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, कैलकुलेट मास ऑफ 1 CO2 मोलिक्यूल्स। अगेन इट्स वेरी इजी, एक CO2 मॉलिक्यूल्स जो है उसका हमें मास फाइंड आउट करना है। याद रखिए, इसके बारे में हम 2 सिस्टम लिख सकते हैं। 1, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44। तो अगर हम 44 को U के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देर विल बी आंसर। U मतलब AMU, 1.66 × 10⁻²⁴, हमें आंसर मिल जाएगा। एंड वॉट इज द सेकेंड मेथड? CO2, अगेन आई टेक अ कंटेनर, CO2 का मोलिकुलर मास कितना है? 44। इफ आई हैव 44 ग्राम CO2, दैट मीन्स हाउ मेनी मोलिक्यूल्स?
6.02 × 10⁻²³, तो 6.02 × 10⁻²³ मोलिक्यूल्स, तो उसका मास कितना होगा? 44 ग्राम। तो एक मोलिक्यूल का कितना होगा? अगेन आई राइट 6.02 × 10⁻²³ CO2 मोलिक्यूल्स, दैट मीन्स उसका मास कितना होगा? 44 ग्राम। तो एक CO2 का मास कितना होगा? तो हमें सीधी सी कैलकुलेशन करनी है, 44 ÷ 6.02 × 10⁻²³। अगेन यूज द कैलकुलेटर, 44 ÷ 6.022, द आंसर इज 7. राउंड अबाउट लिख देते हैं, 7.3 × 10⁻²³ ग्राम। एक CO2 मोलिक्यूल जो है उसका वेट, इसका मास इतना ग्राम होगा। और अगर आप सेकंड मेथड से फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 44 को यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.66 × 10⁻²⁴, तो भी सेम आंसर आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13, एट STP 5.6 लीटर एमोनिया विल कंटेन हाउ मेनी मोलिक्यूल्स? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इफ देर इज गैस, अगर मेरे पास 22.4 लीटर है, कोई भी मतलब गैसेस, यहाँ पे अमोनिया दिया गया हुआ है हमें, तो 22.4 लीटर, दैट इज हाउ मेनी मोलिक्यूल्स? नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.02 × 10⁻²³, देन 5.6 लीटर, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स विल बी देयर? तो कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6.02 × 5.6 / 22.4, द आंसर इज राउंड अबाउट, अब हमारा आंसर आ गया 1.5 × 10⁻²³ मोलिक्यूल्स। ऑलरेडी हमने एक बात स्टडी की गई है कि 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी मोलिक्यूल्स, तो 6.02 × 10⁻²³, अगर इतने मोलिक्यूल्स है तो उसका मास कितना होगा? तो मोलर मास जितना होगा, एंड इफ इट इज अ गैस तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 22.4 लीटर। तो एमोनिया गैस हो या कोई भी गैस हो, अगर 22.4 लीटर एमोनिया है तो दिस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विल बी देयर। तो अगर 5.6 लीटर है तो कितने मोलिक्यूल्स होंगे? तो 1.5 × 10⁻²³ मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 14, देर इज 20 लीटर ऑक्सीजन इन अ कंटेनर, कोई एक कंटेनर है जिसमें 20 लीटर ऑक्सीजन हमें दिया गया हुआ है। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अगर किसी की वॉल्यूम की बात करें तो कंडीशन मस्ट बी देयर STP होना ही चाहिए। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, तो अगेन सेम थिंग विल बी देयर। अगर मेरे पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? तो मोलर मास जितना होगा। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? O2, 32 ग्राम। अगर 22.4 लीटर है तो 32 ग्राम, तो यहाँ पे हमें कितने लीटर दिए गए हुए? 20 लीटर, हाउ मेनी ग्राम विल बी देयर? तो अगेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 20 × 32 / 22.4, द आंसर इज 28.57 ग्राम। एग्जाम्पल नंबर 15, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स 95% NaCl, कोई एक कॉमन सॉल्ट में 95% NaCl है बाय मास, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। सबसे पहली बात तो ये, अगर हम 10 ग्राम सॉल्ट ला रहे हैं कहीं से भी, तो उसमें से NaCl कितने मिलने वाले हैं हमें? 95% ओनली। दैट मीन्स 100 ग्राम अगर हम सॉल्ट ला रहे हैं तो उसमें से NaCl 95 ग्राम मिलेगा, 5 ग्राम वेस्टेज हो जाएगा। तो 100 में से हमें 95 ग्राम मिलने वाले हैं, तो 10 में से कितने मिलेंगे? तो सीधी सी बात है 9.5 ग्राम। तो 9.5 ग्राम NaCl इज हियर। अगेन आई रिपीट, इफ आई हैव 100 ग्राम सॉल्ट तो उसमें से मतलब NaCl कितना होगा? तो 95 ग्राम। तो 100 ग्राम में से 95 ग्राम, 10 ग्राम में से 9.5 ग्राम NaCl विल बी देयर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो हमारे पास 9.5 ग्राम NaCl है,
व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaCl? सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। एंड द क्लोरीन, हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं उसका 35.5, तो NaCl का मोलर मास होगा 58.5। 23 एंड 35.5, तो 58.5। इफ आई हैव 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl, तो उसमें कितने मोलिक्यूल्स होंगे? 6.022 × 10⁻²³, तो मेरे पास कितने ग्राम NaCl है? 9.5 ग्राम NaCl। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स विल बी हियर? अगेन एक बार कैलकुलेट कर ले, 9.5 × 6.022 / 58.5, द आंसर इज 0.978 × 10⁻²³। इफ वी ट्रांसफर इनटू साइंटिफिक मेथड, 9.78 × 10⁻²² मोलिक्यूल्स ऑफ NaCl। इस वीडियो लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रो नंबर, इसके बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। अगेन आगे और भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे जिसमें इससे भी ज़्यादा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। याद रखिए, जितने भी चैप्टर्स केमिस्ट्री में पढ़ने हैं उसमें से ये चैप्टर बेस है। अगर ये चैप्टर आपका आपका जो अच्छा हो गया तो मान के चलिए कि आपकी पूरी केमिस्ट्री अच्छी होने वाली है। आगे की वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय बाय।